सबसे पहले आप ये एक स्टॉक देखो, इसकी प्राइस मई 2021 में चल रही थी 3 रुपीज, जो कि अक्टूबर 2021 में जाकर हो गई थी 96 रुपीज। यानी सिर्फ 5 महीने में इसकी प्राइस 3 रुपए से 96 रुपीज पे चली गई थी। तो इसने सिर्फ 5 महीने में 32 टाइम्स के रिटर्न्स दिए थे। मतलब अगर किसी ने इस स्टॉक में 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए होते तो सिर्फ 5 महीने में वो 32 लाख रुपए हो गए होते। लेकिन क्या आपको पता है कि आप और हम जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स कभी भी इस स्टॉक को 3 रुपए पे बाय नहीं कर पाते और ना ही इसको 96 रुपीज पे सेल कर पाते, क्योंकि ये काम कर रहे होते ऑपरेटर्स। और ये वो ऑपरेटर्स हैं जो हम जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स को ट्रैप करके ही उनका लॉस करवाते हैं और उस लॉस को अपने प्रॉफिट में बदल के खुद प्रॉफिट कमा के निकल जाते हैं। और ये ऑपरेटर्स ये सब कैसे करते हैं, ये सब कुछ आज मैं आपको प्रूफ के साथ बताऊंगा। तो अगर आप नए हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। तो वीडियो को ध्यान से जरूर देखिएगा और इसके साथ ही वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो सबसे पहले समझते हैं कि ऑपरेटर्स होते कौन है जो कि इतने सस्ते में शेयर को खरीद के इतने महंगे में बेच रहे हैं और 5 ही महीने में अपना पैसा 30-40 गुना कर ले रहे हैं। तो देखिए, ये ऑपरेटर कोई भी ऐसा व्यक्ति या इंस्टीट्यूशन या ग्रुप ऑफ पीपल हो सकते हैं जिनके पास बहुत सारा पैसा है और वो इस पैसे का यूज करके स्टॉक्स को मैनिपुलेट करना चाहता है। यहां पर मैनिपुलेट करने का मतलब है कि वो अपने हिसाब से स्टॉक की प्राइस बढ़ा या घटा सकते हैं। अब ये सुनने में काफी अजीब लग रहा है कि कोई भी व्यक्ति अपने हिसाब से किसी स्टॉक की प्राइस बढ़ा या घटा कैसे सकता है, और अगर कोई सच में ऐसा कर सकता है फिर तो वो बहुत प्रॉफिट कमा रहा होगा और हमारा नुकसान करवा रहा होगा। तो ये जो ऑपरेटर्स हैं, यानी जिन लोगों के पास बहुत सारा पैसा है और वो स्टॉक्स को मैनिपुलेट करना चाहते हैं, वो ये सब कैसे कर रहे हैं, इसको समझने के लिए सबसे पहले हमें समझना होगा कि एक स्टॉक की प्राइस बढ़ती और घटती कैसे है। तो देखिए, एक स्टॉक की प्राइस बढ़ने और घटने के पीछे दो ही चीजें काम करती हैं, जो कि है डिमांड और दूसरी है इसमें सप्लाई। तो अगर किसी भी चीज की डिमांड बढ़ती है तो उसकी प्राइस भी बढ़ती है, और अगर किसी चीज की सप्लाई बढ़ती है तो उसकी प्राइस घटती है। यानी एक स्टॉक की प्राइस तभी बढ़ेगी जब उसकी डिमांड ज्यादा होगी, यानी ज्यादा लोग खरीदने वाले होंगे, और कम लोग बेचने वाले होंगे, मतलब उसकी सप्लाई कम होगी। और इसका उल्टा, एक स्टॉक की प्राइस तभी गिरेगी जब उसकी डिमांड कम होगी, यानी कम लोग उस स्टॉक को खरीदना चाहते हैं लेकिन ज्यादा लोग उस स्टॉक को बेचना चाहते हैं, यानी उसमें सप्लाई ज्यादा है। तो अब ये ऑपरेटर्स कैसे डिमांड एंड सप्लाई का यूज करके एक स्टॉक की प्राइस आर्टिफिशियली बढ़ाते हैं और उससे प्रॉफिट निकालते हैं, इसको चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं। तो मान लीजिए एक स्टॉक है जिसका नाम एग्जांपल के लिए कुछ भी रख लेते हैं। तो यहां पर मैं नाम रख रहा हूं ABC लिमिटेड। मान लीजिए ये कंपनी है जिसकी प्राइस को जो ऑपरेटर्स हैं वो आर्टिफिशियली बढ़ाना चाहते हैं। तो अब अगर वो इसकी प्राइस को बढ़ाना चाहते हैं तो इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि वो कंपनी छोटी हो, क्योंकि अगर वो कंपनी बहुत बड़ी होगी तो उस केस में उन्हें बहुत ज्यादा पैसे की जरूरत पड़ेगी। तो बेटर है कि कंपनी छोटी हो। अगर कंपनी की मार्केट कैप 10 करोड़, 5 करोड़, 15 करोड़, 20 करोड़, 40, 50 करोड़ तक है तो उसको मैनिपुलेट करना आसान होता है, क्योंकि आप 5, 7, 10, 15, 20 करोड़ रुपए में उसको मैनिपुलेट कर सकते हैं। जबकि अगर कोई कंपनी 1,000-2,000 करोड़ की है तो उसके लिए आपको बहुत ज्यादा पैसे की जरूरत पड़ेगी। तो हम मान लेते हैं कि ABC लिमिटेड की मार्केट कैपिटलाइजेशन 50 करोड़ रुपीज है। तो कंपनी 50 करोड़ रुपए की है और हम एग्जांपल के लिए मान के चलते हैं कि इसके शेयर की प्राइस 50 रुपए है। तो 50 करोड़ की कंपनी हो गई, 50 रुपए का शेयर हो गया। तो अब क्योंकि ये जो कंपनी है ये सिर्फ 50 करोड़ रुपए की है, तो जब ऑपरेटर इसे बाय करना शुरू करेंगे तो इसके क्या होगी, इसकी डिमांड बढ़ने लग जाएगी, और वो जो डिमांड बढ़ रही है वो इजीली लोगों को नजर भी आएगी। अगर मान लीजिए कोई बड़ी कंपनी होती है रिलायंस जैसे, उसमें अगर कोई ऑपरेटर 5 करोड़, 10 करोड़, 50 करोड़, 500 करोड़ भी डाल देगा तो उसमें कोई बहुत ज्यादा बड़ा डिफरेंस नजर नहीं आएगा। लेकिन ये सिर्फ 50 करोड़ की कंपनी है तो इसमें अगर ऑपरेटर्स 10 करोड़, 15 करोड़, 20 करोड़ रुपए भी डाल देंगे तो वो भी इजीली नजर आने लग जाएंगे। और इसके साथ ही इस स्टॉक की जो डिमांड है वो भी बढ़ने लग जाएगी, क्योंकि आपको पता है कि इतनी छोटी कंपनी और उसमें ही 20 करोड़ रुपए के शेयर्स मान लीजिए कोई खरीद रहा है तो उसकी डिमांड कितनी तेजी से बढ़ेगी। तो इस वजह से जब क्योंकि उसकी डिमांड बढ़ रही है तो अब उसके शेयर की प्राइस भी बढ़ने लग जाएगी। वो बढ़ के 55 रुपए होगी,
₹56 होगी और ऐसे बढ़ते बढ़ते 60 और फ्यूचर में अगर जितना ज्यादा अमाउंट वो डालेंगे तो ₹70 तक जाएगी। अब जब ₹50 से इस स्टॉक की प्राइस बढ़ने लगेगी तो कई जो नए इन्वेस्टर्स होंगे या जिनको स्टॉक मार्केट की ज्यादा नॉलेज नहीं है और जो पैनी स्टॉक्स में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं उनको दिखाई देगा कि यार इस शेयर की प्राइस तो एक हफ्ते में ₹50 से ₹60 पहुंच गई है और उसके बाद भी प्राइस बढ़ती जा रही है, तो वो क्या करेंगे क्योंकि उन्हें ये प्राइस में जंप दिखाई दे रहा है, तो वो जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं वो भी इसमें बाइंग करना शुरू कर देंगे, जिसकी वजह से अब इसकी जो डिमांड है वो और ज्यादा बढ़ने लग गई है। मतलब पहले इस स्टॉक की डिमांड तो ऑपरेटर्स ने खुद बाय किया, इसकी वजह से बढ़ी, अब उसके बाद क्योंकि बाकी जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं वो देख रहे हैं कि इसकी प्राइस बढ़ रही है और जिस चीज की प्राइस बढ़ती है इन्वेस्टर्स उसकी तरफ भागना शुरू कर देते हैं, तो वो भी इस स्टॉक को बाय करेंगे, जिसकी वजह से और ज्यादा इसकी डिमांड बढ़ेगी, जिससे इसकी प्राइस अब ₹70 से बढ़ के हो सकता है ₹80 चली जाए या फिर ₹90 चली जाए या इवन हो सकता है कि ₹100 भी चली जाए। अब ऐसे प्राइस और ज्यादा बढ़ती जा रही है तो अब यहाँ पर जो ऑपरेटर्स हैं जिन्होंने ₹50 में बाय करना शुरू किया था और ₹20 करोड़ उन्होंने इन्वेस्ट किए थे, अब वो बढ़कर ₹40 करोड़ हो चुके होंगे क्योंकि उनकी जो डिमांड है वो बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से प्राइस भी बढ़ रही है। अब ऐसे में ऑपरेटर्स को लगेगा कि प्राइस अभी और ज्यादा बढ़ानी चाहिए, अब वो क्या करेंगे कि बहुत सारे इंस्टाग्राम में पेजेस होते हैं जो कि ₹50 ₹100 ₹500 में एक पोस्ट डाल देते हैं, आपको दिखाते हैं कि ये ₹50 का शेयर है, एक महीने में ₹100 पहुंच गया है, और ऐसे बहुत सारी पोस्ट अलग अलग इंस्टाग्राम पेजेस में आपको दिखने लगेंगी। इसके अलावा कई सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जहां पर आपको आर्टिकल्स नजर आने लग जाएंगे कि एबीसी लिमिटेड की प्राइस एक महीने पहले ₹50 थी, एक महीने में इसने मल्टीबैगर रिटर्न्स दे दिए हैं, ₹100 प्राइस चली गई है। इसके अलावा हो सकता है कि आपको यूट्यूब में एड्स की फॉर्म में वीडियोस दिखाई जाएं जिसमें आपको बताया जाए कि ये स्टॉक ₹50 से ₹100 पहुंच गया है और अगले एक महीने में ₹200 जाने वाला है, और इस तरीके से इसमें एड्स में वो कुछ खर्च करेंगे, 50-60 लाख रुपए, 1 करोड़ 2 करोड़ उन्होंने खर्च कर दिए, तो क्योंकि उनके 20 करोड़ के 40 करोड़ तो और हो ही चुके हैं तो ऐसे में 2 करोड़ वो और लगा देंगे और अब इस स्टॉक की जो डिमांड होगी वो और ज्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि इंस्टाग्राम में बहुत सारे जो नए इन्वेस्टर्स होते हैं वो भी देखेंगे कि यार सही में इसकी प्राइस तो बढ़ रही है। दूसरा, आप वेबसाइट्स में पढ़ेंगे आपको लगेगा सही में यार ₹50 से ₹100 पहुंच गया, और जब ये वेबसाइट वाले कह रहे हैं कि ₹200 जाएगी इसका मतलब ₹200 जाएगी, तो अब वो लोग क्या करेंगे जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, जिन बेचारे भोले लोग हैं जिनको ज्यादा नॉलेज नहीं है, वो अपनी जेब से 5,000, 10,000, 50,000 और ऐसे हजारों लोग जो कि टोटल मिला के कई करोड़ रुपया होगा वो भी इसमें बाय करना शुरू कर देंगे, जिससे इसकी डिमांड और ज्यादा बढ़ेगी और अब इसके जो शेयर की प्राइस होगी वो ₹100 गई थी ना, वो बढ़कर ₹150 भी चली जाएगी। अब इसके बाद क्या होगा ये जानने से पहले मेरा आपसे एक सवाल है, और वो सवाल ये है कि मान लीजिए आपने जो शेयर था उसको ₹55 में बाय कर लिया था और आपको दिखाई दे रहा है कि प्राइस बढ़कर एक महीने में ₹150 चली गई है, तो क्या आप उस स्टॉक को बेचेंगे या अभी भी होल्ड करेंगे, क्योंकि आगे भी तो और ज्यादा प्राइस बढ़ सकती है ना, आपको ये सब कुछ तो नहीं पता है, तो आप बेचेंगे होल्ड करेंगे या और ज्यादा बाय करेंगे, ये अभी के अभी पहले कॉमेंट कीजिए। सबसे पहले आपने कमेंट करना है, और हाँ अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और अगर स्टॉक मार्केट के बारे में डिटेल में सीखना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिए। तो अब जब आपने कमेंट कर दिया है तो मैं आपको बता दूं कि ज्यादातर केस में क्योंकि आपको दिखाई दे रहा है कि आपने 50-55 रुपए में एक शेयर को खरीदा था, उसकी प्राइस एक महीने में 150 चली गई है, तो आप वेट करोगे क्योंकि आपको वीडियोस में बताया गया था कि इस स्टॉक की प्राइस तो ₹200 तक जाएगी या ₹300 तक जाएगी, तो आप उम्मीद में बैठे रहोगे कि प्राइस इतना ज्यादा जाएगी। जबकि ऑपरेटर्स को अब लगेगा कि यार हमने एड्स भी कर लिए, सब कुछ कर लिया और इसकी प्राइस हमने ₹50 से लेकर हम ₹150 पे ले जा चुके हैं, तो अब क्योंकि उनके 20 करोड़ के 60 करोड़ सिर्फ एक महीने में हो चुके हैं, वही थे जिन्होंने ₹50 में सबसे पहले बाय किया था और वही होंगे जो सबसे पहले ₹150 में बेचना शुरू करेंगे, तो उनके 20 करोड़ के 60 करोड़ हो चुके होंगे। अब क्योंकि उन ऑपरेटर्स के पास बहुत ज्यादा क्वांटिटी है, तो ऐसे में क्या होगा, ऐसे में उस स्टॉक में अभी तक तो डिमांड बनी हुई थी जिसकी वजह से उसकी प्राइस बढ़ रही थी, तो अब उस स्टॉक में आ जाएगी सप्लाई, और क्योंकि उनके पास बहुत ज्यादा क्वांटिटी है, आप समझ लीजिए कि 60 करोड़ रुपए के शेयर्स हैं, तो जब वो बेचना शुरू करेंगे तो उस टाइम पर बहुत ज्यादा सप्लाई उस स्टॉक में आएगी, जिसकी वजह से उसकी प्राइस डेली गिरने लग जाएगी। अब ऐसे में ऑपरेटर्स तो अपना जो माल है वो सारा बेचकर निकल लेंगे, क्योंकि बीच में वो थोड़े बहुत एड्स भी रन करते रहेंगे ताकि वो नए लोगों को अपनी जो होल्डिंग्स हैं
उसको बेचकर निकल लें। अब इसमें सबसे पहले कुछ ऐसे भी लोग होंगे जिन्होंने 150 रुपए में बाय किया होगा ये सोचकर कि प्राइस 200 रुपए जाएगी, तो प्राइस गिरने लगेगी तो पहले उन्हें लॉस होने लगेगा, उसके बाद प्राइस घटकर 140 पे आएगी, 130 पर आएगी, 120 पर आएगी और प्राइस घटती चली जाएगी। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात यह है कि प्राइस जब घट रही होगी ना तो क्योंकि यहां पर जो ऑपरेटर्स हैं वो बहुत ज्यादा क्वांटिटी सेल कर रहे होंगे तो इस वजह से उस स्टॉक में डेली लोअर सर्किट लगेंगे, जिसका मतलब यह है कि उस स्टॉक में सप्लाई तो है क्योंकि ऑपरेटर्स भी बेचना चाह रहे हैं, जो लोग बेचारे फंस गए हैं वो भी बेचना चाह रहे हैं, लेकिन खरीदने के लिए अब कोई है ही नहीं क्योंकि उन्होंने जितनी भी तारीफें की थी वो अब खत्म हो चुकी हैं और जो ये लोग खरीदना भी चाह रहे हैं उनको ये ऑपरेटर सबसे पहले बेच देते हैं। तो आप सिर्फ सेल करने का ऑर्डर लगाओगे, आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट ही नहीं होगा और ऐसे करके उस शेयर की प्राइस वापस घटते घटते 50 रुपए आ जाएगी। मतलब इन्होंने 50 रुपए से प्राइस 150 रुपए लेके गए थे, अब वापस 50 पे लेकर आ गए और ऐसे में जिन भी लोगों ने बाय किया था वो सब फंसे के फंसे रह जाएंगे और अपनी क्वांटिटी को सेल ही नहीं कर पाएंगे, जबकि ये जो ऑपरेटर्स होंगे ये अपने पैसे को 2-3 गुना आराम से कर लेंगे। तो अब आपको समझ आ गया है कि किस तरीके से ऑपरेटर सबसे पहले एक शेयर की डिमांड बढ़ाते हैं, उसको पंप करते हैं और उसके बाद जब प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तब उसको जो रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं उनके ऊपर डंप करके चले जाते हैं, खुद तो पैसा कमा लेते हैं लेकिन जो बेचारे भोले भाले रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं उनका नुकसान करवा लेते हैं। तो अब मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल भी दिखाता हूं जिस स्टॉक में ये हुआ है, किसी स्टॉक में पंप एंड डंप किया जा रहा है वो आपको पता कैसे करना है ये भी मैं आपको बताऊंगा, और इसके साथ ही मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कौन से ऐसे दूसरे तरीके होते हैं जिनसे भी ये ऑपरेटर्स रिटेल इन्वेस्टर्स का नुकसान करवाते हैं और कैसे आपको इससे बचना है। तो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, और हां अगर आप इन्वेस्टिंग या ट्रेडिंग के लिए बेस्ट डीमैट अकाउंट खुलवाना चाहते हैं जिसको मैं खुद यूज करता हूं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको कुछ अच्छे डीमैट अकाउंट के लिंक दिए हैं तो डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लीजिएगा। तो अब हम वापस से आते हैं उस स्टॉक में जिसके बारे में मैं शुरुआत में बात कर रहा था। तो ये वो स्टॉक है जिसकी प्राइस आपको दिखाई दे रहा है कि मई के मंथ में 3 रुपए थी और सिर्फ 5 महीने में 96 रुपीज चली गई थी। तो ऐसे में हुआ क्या कि ये जो ऑपरेटर्स हैं उन्होंने सबसे पहले यहां पर थोड़ी बहुत बाइंग की होगी और उसके बाद धीरे धीरे अपनी बाइंग को बढ़ाया, जिसके बाद इसकी प्राइस बढ़ने लगी और कुछ ही महीने में इसकी जो प्राइस थी वो बढ़कर 29 रुपीज तक चली गई थी। अब इसके बाद प्राइस बढ़ती गई। अब जब प्राइस बढ़ रही थी आपको आर्टिकल्स में दिखाई दे रहा है कि इस पेनी स्टॉक ने दिए 1000% के रिटर्न्स, 2000% के रिटर्न्स, इसके अलावा ऐसी ही कई सारी इंस्टाग्राम पेजेस में पोस्ट डाली गई होंगी कि इस स्टॉक ने इतने परसेंट के रिटर्न्स दे दिए हैं, हो सकता है कि एड्स भी रन किए गए हों, जिसके बाद इसकी प्राइस बढ़कर गई 96 रुपीज पर। अब जब प्राइस 96 रुपीस पर पहुंच गई तो यहां तक उन्होंने इस स्टॉक में क्या बढ़ाई थी, उन्होंने इस स्टॉक को बाय कर रहे थे, लोगों को भी सजेस्ट कर रहे थे कि वो बाय करें, तो इस स्टॉक में अभी तक डिमांड बढ़ती जा रही थी जिसकी वजह से इसकी प्राइस यहां तक बढ़ती चली गई। इसके बाद जब ऑपरेटर्स का पैसा यहां पहुंचकर लगभग 32 टाइम्स हो गया तो उन्होंने सेल करना शुरू किया, और जब उन्होंने सेल करना शुरू किया तो उस टाइम पर प्राइस गिरने लगी, और वो प्राइस मैं दिखाता हूं कि शेयर की प्राइस जब गिर रही थी उस टाइम पर इसमें सर्किट्स लग रहे थे और वो सर्किट्स आपको कैसे दिखाई देंगे कैंडल चार्ट में। यहां देखिए कि बार बार जो प्राइस गिरी थी एक बार प्रॉपर कैंडलस्टिक पैटर्न नहीं बने हुए हैं, यहां पर आप देख सकते हैं कि प्राइस में पहले अपर सर्किट लगे और उसके बाद लोअर सर्किट लगे, मतलब लगातार प्राइस गिरती गई। तो ऐसे में अगर आपने उस स्टॉक को यहां पर बाय किया होगा, यहां पर बाय किया होगा या फिर कहीं पर भी बाय किया होगा और आप सोच रहे होंगे कि यहां पर आप कहीं पर उस स्टॉक को बेचेंगे तो आप सेल करने का ऑर्डर तो लगाएंगे लेकिन वो ऑर्डर एग्जीक्यूट ही नहीं होगा क्योंकि ऑपरेटर्स आपसे पहले बहुत ज्यादा क्वांटिटी का सेल करने का ऑर्डर लगा देंगे, उनके ऑर्डर्स एग्जीक्यूट हो जाएंगे, वो एल्गो का यूज करते हैं कई बार अपने ऑर्डर्स एग्जीक्यूट करवाने के लिए, आपसे पहले ऑर्डर्स लगाने के लिए, जिस वजह से वो आपसे पहले सेल करके निकल जाएंगे। अब इसके बाद हुआ क्या कि जब उन्होंने काफी अच्छा पोर्शन सेल कर दिया तो आप देखिए कि यहां पर एकदम से वॉल्यूम बढ़ा है और उसके बाद फिर से प्राइस बढ़ने लगी, बीच बीच में दोबारा से वॉल्यूम काफी बढ़े और इसके बाद फिर से प्राइस बढ़ी। अब जब प्राइस इसके बाद बढ़ी तो इसके बाद यहां पर जाकर उन्होंने दोबारा से डंप कर दिया और इसके बाद फिर से प्राइस गिरकर आ गई वापस से 40 रुपए पे। अब इसके बाद प्राइस फिर बढ़ी, फिर थोड़ा बहुत नीचे की गई और इसके बाद फिर से देखिए कि इसके बाद और प्राइस गिरती गई और गिरते गिरते प्राइस इतना नीचे आ चुकी है। तो ऐसे में ज्यादातर लोग जिन्होंने इस स्टॉक में इन्वेस्ट किया होगा उनको नुकसान हुआ होगा, और अब इसका सबसे बड़ा प्रूफ आपको देता हूं जिसको देखकर आप एकदम शॉक हो जाएंगे, और वो प्रूफ यह है कि आपको पता है कि अगर किसी स्टॉक की प्राइस बढ़ रही है तो
तो उसके पीछे कोई फंडामेंटल रीजन होना चाहिए, उसका कोई प्रॉफिट बढ़ रहा होना चाहिए, उसकी सेल्स बढ़ रही होनी चाहिए, तभी तो किसी स्टॉक की प्राइस लंबे टाइम तक बढ़ पाएगी। लेकिन यहां पर आप देखिए, मैंने इस स्टॉक का पीएनएल स्टेटमेंट खोला है और इसमें आप देख सकते हैं कि मार्च 2020 के बाद से तो इसने कोई सेल्स ही नहीं की है, मतलब एक भी रुपए का सामान नहीं बेचा है, ना तो 2020 में कोई सेल्स की, ना 21 में, ना 2022 में, ना 23 में, ना पिछले 12 महीने में, यानी पिछले 4 साल से इसने अपने ऑपरेशंस बंद कर दिए हैं, बिजनेस बंद कर दिया है, यानी ये कंपनी अपने बिजनेस से एक भी रुपया नहीं कमा रही है। तो जब कंपनी ही खुद नहीं कमा रही है, कोई सामान बेच ही नहीं रही है, तो प्राइस बढ़ कैसे सकती है? तो वो प्राइस बढ़ाने का तरीका ये आर्टिफिशियल होता है, जिसमें ऑपरेटर्स ये गेम खेल रहे होते हैं। अब यहाँ पर क्लियर कर दूं कि भले ही कंपनी पिछले 4 साल से कोई सेल्स नहीं कर रही है, लेकिन अगर आप इसका नेट प्रॉफिट देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि मार्च में इसको 65 लाख रुपीस का प्रॉफिट हुआ था, जो कि बेसिकली इसकी रेंटल इनकम है। लेकिन जिस हिसाब से इसके स्टॉक की प्राइस बढ़ रही है, ये जो रेंटल इनकम है ये इसको जस्टिफाई नहीं करती। और वैसे भी 65 लाख रुपीस कोई भी बड़ा अमाउंट नहीं है, कोई ढंग की सी अगर दुकान होगी ना तो वो एक महीने में 65 लाख का माल बेच देती होगी। तो ये जो पहला तरीका है जिसमें ऑपरेटर्स रिटेल इन्वेस्टर्स का बेवकूफ बनाते हैं, वो होता है पंप एंड डंप, यानी इसमें पहले वो पंप करते हैं और उसके बाद वो डंप कर देते हैं और खुद तो प्रॉफिट कमा लेते हैं लेकिन हमारा नुकसान करवा देते हैं। अब यहां पर आपको बता दूं कि ये कोई नई चीज नहीं है, ये कई डेकेड से होता चला आ रहा है। इवन हर्षद मेहता स्कैम के टाइम पर भी एक स्टॉक था जिसको उन्होंने पंप करवाया था, आपको याद होगा। अगर आपको स्टॉक का नाम याद है तो कमेंट जरूर कर दीजिएगा। बट आज के टाइम पर ये पंप एंड डंप करने के बहुत मॉडर्न तरीके आ गए हैं, जिसमें मैंने आपको बताया है कि पहले तो पेड आर्टिकल्स पब्लिश किए जाते हैं, काफी सारी वेबसाइट्स में पैसे देकर आर्टिकल्स पब्लिश कर दिए जाते हैं और किसी स्टॉक की तारीफ की जाती है। दूसरा, आपको इंस्टाग्राम में बहुत सारे पेजेस दिखाई देंगे जो बोलेंगे कि हमने आपको ये स्टॉक बताया था, अगर आपने स्टॉक खरीद लिया होता तो इसने इतने परसेंट के रिटर्न्स दिए, या फिर ये एक स्टॉक है जो कि कुछ ही महीने में मल्टीबैगर रिटर्न्स देने वाला है। तो ऐसे इंस्टाग्राम में जितने भी पोस्ट देखने को मिलते हैं उनको तो सीधा रिपोर्ट कर दिया कीजिए। इसके बाद जो तीसरा आजकल चल रहा है वो है कि आजकल यूट्यूब वीडियो के नीचे आपको एक एड्स देखने को मिलेगा, बड़ा घटिया सा थंबनेल उनका होता है, उसमें वो किसी ना किसी स्टॉक के बारे में बात कर रहे होते हैं और उसमें उस स्टॉक की बहुत ज्यादा तारीफ जाती है, उसके बारे में डिटेल में बताया जाता है कि ये कंपनी नया प्लांट लगाने जा रही है जिससे इसका जो प्रॉफिट है वो इतने हजार करोड़ बढ़ जाएगा। तो ये जो एड्स के थ्रू आप तक वीडियो पहुंचाई जा रही है, उस एड्स में समझिए कि कई करोड़ रुपए उस एड्स को चलाने में वो खर्च करते हैं। यानी अगर किसी एड में उन्होंने 2 मिलियन 3 मिलियन व्यूज लेके आए हैं ना, तो हो सकता है कि उसको लाने के लिए उन्होंने 50-60 लाख रुपए खर्च किए हैं। तो इतना बड़ा देवता कौन है कि जो आपको बताए कि ये स्टॉक मैं आपको बता रहा हूँ आपका पैसा 100 गुना हो जाएगा और मैं अपने 50 लाख रुपए खर्च करके आपको ये बात बता रहा हूँ। इतना बड़ा देवता कोई नहीं है, वो खुद आपको लूटना चाहते हैं, इसलिए आपको एड्स दिखाए जाते हैं। तो एड्स में अगर आपको कोई स्टॉक बताया जा रहा है तो उससे दूर रहो, उस एड को भी रिपोर्ट करो। इसके बाद जो नेक्स्ट प्लेटफॉर्म है वहां पर बहुत ज्यादा स्कैम्स देखने को मिलते हैं और वो है टेलीग्राम। कई बार टेलीग्राम में बहुत सारे ऐसे ग्रुप होते हैं जो कि आपको बताते हैं कि हम आपको बताएंगे कि कौन सा स्टॉक बाय करना है, उसने इतने परसेंट के रिटर्न्स दे दिए हैं। तो ऐसे टेलीग्राम ग्रुप भी कई बार इसी तरीके के पंप एंड डंप का यूज कर रहे होते हैं और इवन पास्ट में सेबी ने ऐसे कई सारे टेलीग्राम ग्रुप्स और टेलीग्राम चैनल्स के ऊपर एक्शन भी लिया है। अब इसके बाद मैं आपको जो दूसरे स्कैम्स होते हैं उनके बारे में बता देता हूं और फिर मैं आपको बताऊंगा कि इन स्कैम्स से बचना कैसे है। अब इसके बाद जो दूसरा गेम ऑपरेटर्स खेलते हैं वो खेलते हैं ट्रेडिंग में। अब ये जो गेम है ये कोई छोटे मोटे ऑपरेटर्स नहीं खेल सकते क्योंकि इसके लिए बहुत ज्यादा फंड की जरूरत होती है। इसमें होता क्या है कि जो जनरल रूल्स हम ट्रेडर्स फॉलो करते हैं, जैसे कि अगर मान लीजिए ये कोई स्टॉक है जो कि अपने सपोर्ट के पास आ रहा है और रेजिस्टेंस के पास जा रहा है, तो एक रूल है कि अगर कोई स्टॉक अपने रेजिस्टेंस को ब्रेक कर देता है तो इसके बाद प्राइस बढ़ सकती है। तो जनरली जो नए ट्रेडर्स होते हैं वो क्या करते हैं कि जैसे ही रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ है उसी टाइम पर वो बाय कर लेते हैं। अब ऐसे में ऑपरेटर्स क्या करते हैं कि जैसे ही स्टॉक अपने रेजिस्टेंस के पास पहुंच रहा होता है ना, उसी टाइम पर वो काफी अच्छा खासा फंड उस स्टॉक में डाल देते हैं जिसकी वजह से रेजिस्टेंस ब्रेक हो जाता है। और ऐसे में जैसे ही रेजिस्टेंस ब्रेक होता है तो बाकी ट्रेडर्स तो इंतजार में बैठे थे कि रेजिस्टेंस ब्रेक होगा तो बाय कर लूंगा, तो वो बाय करने लगते हैं जबकि ऑपरेटर्स उसी टाइम पर सेलिंग शुरू कर देते हैं जिसकी वजह से थोड़ा सा ब्रेकआउट आता है और उसके बाद प्राइस नीचे गिर जाती है। अब आप सोच रहे होंगे कि प्राइस गिरी तो फिर इससे ऑपरेटर को क्या फायदा होगा, तो उसको फायदा यह होता है कि यहां पर बाकी लोग तो बाय कर रहे थे लेकिन जो ऑपरेटर हैं वो यहां पर शॉर्ट कर रहे होते हैं जिसकी वजह से उन्होंने महंगे में बेच दिया और फिर सस्ते में आकर खरीद लिया और अपना प्रॉफिट बना लिया। तो ऐसे में मैं आपको हमेशा कहता हूं कि इसको अवॉइड करने के लिए जब तक आपको कंफर्मेशन नहीं मिल जाता ना,
तब तक आपको बाइंग नहीं करनी है, तो हमेशा कंफर्मेशन का वेट कीजिए। और अगर आपको ट्रेडिंग के बारे में अच्छे से सीखना है, आपको टेक्निकल एनालिसिस सीखना है, तो हमने टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर एक वीडियो बना रखी है, उस वीडियो को देखकर आप अच्छे से टेक्निकल एनालिसिस सीख सकते हैं। इसके साथ ही अगर आप बिल्कुल बेसिक से ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में सीखना चाहते हैं, तो हमने 6 लेक्चर्स की एक प्लेलिस्ट बना रखी है, जिसमें आप बिल्कुल सीरीज से सीखेंगे कि ऑप्शन ट्रेडिंग क्या होती है, उसमें डेल्टा, थीटा, गामा, ये चीजें क्या होती है, स्ट्राइक प्राइस क्या होती है, ये सब कुछ चीजें बेसिक से सिखाई है। तो आप हमारी उस प्लेलिस्ट को जरूर देख लीजिएगा, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, या फिर आप YouTube में सर्च कर लीजिए नीरज जोशी ऑप्शंस ट्रेडिंग और आपको ये वाली वीडियो मिलेगी। ये फर्स्ट वीडियो है हमारी उस प्लेलिस्ट की। अब इसके बाद दो और स्कैम है जो कि आपको पता होना चाहिए। तो इसमें सबसे पहला स्कैम जो आजकल बहुत ज्यादा पॉपुलर हो रखा है वो है पेड कॉल्स, जिसमें जनरली आपको किसी टेलीग्राम ग्रुप में या फिर किसी व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन करने के लिए कहा जाता है। और उसमें ज्वाइन करने के लिए दो कंडीशन हो सकती हैं। एक कंडीशन ये हो सकती है कि आप हमें 5,000 रुपए महीना दो, तब आप हमारे ग्रुप में ज्वाइन हो जाएंगे। या फिर दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि अगर आप हमारे ग्रुप में ज्वाइन हो रहे हैं, तो जो भी प्रॉफिट आपको होगा उसका 10% या 20% आपको हमें देना होगा, जिसके रिटर्न में आपको यह प्रॉमिस किया जाता है कि हम आपको बताएंगे कि आपने कहां पर बाय करना है, कहां पर सेल करना है। और हमारी एक्यूरेसी बहुत ज्यादा है, हमारे पास बहुत ही स्पेशल टीम है जो कि बिल्कुल एग्जैक्ट आपको बताती है कि कहां पर बाय करना है, कहां पर सेल करना है, और इससे आप प्रॉफिट कमा सकते हैं। आपको ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है, हम जहां पर बताएंगे वहां पर बाय कर लेना, जहां पर बताएंगे वहां पर सेल कर लेना, इस तरीके से आपको लालच दिया जाता है। अब ऐसे में जो बेचारे नए ट्रेडर्स होते हैं, जिनको ज्यादा जानकारी नहीं होती है या फिर जिनको लॉस हो गया होता है, उनको लगता है कि यार एक बार 5,000 रुपए दे देता हूं, उसके बाद तो मुझे प्रॉफिट ही होगा। इवन आपको कहा जाता है कि मैं पहले दिन में ही आपका लॉस रिकवर करवा दूंगा या फिर आपकी फीस रिकवर हो जाएगी, तो इस तरीके से आपको फंसाया जाता है। अब अगर मान लीजिए आपसे डायरेक्ट पैसे लिए गए हैं, तो ऐसे में तो आप जैसे हजारों लोगों से पैसे लिए जा रहे हैं और वो महीने के करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। अब इसके बाद जब आपने ज्वाइन कर लिया है, तो आपको प्रॉफिट हो लॉस हो कुछ भी हो, उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। और इवन कुछ लोग तो पैसे लेके आपको डायरेक्टली ब्लॉक भी कर देंगे। जबकि जो दूसरा केस है जिसमें आपको कहा जा रहा है कि आपने प्रॉफिट शेयर करना है, तो यहां पर आपको लगेगा कि प्रॉफिट होगा तभी तो शेयर करूंगा, तभी तो उसको फायदा होगा। लेकिन यहां पर भी एक गेम खेला जाता है, क्योंकि यहां पर एक नहीं बल्कि दो ग्रुप्स बनाए जाते हैं, जिसमें एक को कहा जाएगा कि आप इस स्टॉक को बाय कर लो, दूसरे को कहा जाएगा कि आप इस स्टॉक को सेल कर दो। तो अब ऐसे में देखिए, या तो स्टॉक की प्राइस बढ़ेगी या तो स्टॉक की प्राइस घटेगी। तो अगर आपको प्रॉफिट हो गया, तो समझ लीजिए कि दूसरे वालों को नुकसान हो गया है, वो आपसे परसेंटेज ले लेंगे। और अगर आपको लॉस हो गया, तो समझ लीजिए दूसरे वालों को प्रॉफिट हो गया है, वो वहां से परसेंटेज ले लेंगे। यानी किसी ना किसी तरीके से वो अपना पैसा निकाल ही लेंगे और आपका नुकसान करवा ही देंगे। क्योंकि एक दिन भले ही आपको प्रॉफिट हो गया, उसने परसेंटेज ले लिया, अगले दिन आपको नुकसान हो जाएगा, तो आपका पैसा तो जाना ही है। और इसके बाद जो नेक्स्ट स्कैम है, इससे तो मैं भी बहुत ज्यादा परेशान हूं। इवन मेरे जितने भी फ्रेंड्स हैं, इन्फ्लुएंसर्स हैं, जो फाइनेंस कैटेगरी में वीडियोस बनाते हैं, वो सभी परेशान हैं, क्योंकि हम सभी के नाम पर फेक अकाउंट्स बनाए जाते हैं। उन फेक अकाउंट्स में हमारी फोटो होती है और इवन उनमें आपको फॉलोअर्स भी बहुत सारे देखने को मिल जाएंगे। स्पेशली ये टेलीग्राम में होता है या फिर इंस्टाग्राम में भी होता है, और वहां पर आपको बहुत ज्यादा फॉलोअर्स देखने को मिलेंगे जो कि फेक फॉलोअर्स होते हैं। यानी हमारे नाम से फेक अकाउंट्स बनाए जाते हैं, उन अकाउंट में हमारी फोटो होती है और दिखने में बिल्कुल जेन्युइन अकाउंट होता है। और उसके बाद आपके साथ वही स्कैम होता है जो कि यहां पर होने वाला था। यानी यहां पर उन्होंने आपका भरोसा जीतने के लिए मेरी या किसी भी फाइनेंस यूट्यूबर की फोटो लगा दी है, और उसके बाद आपको कहेंगे कि आप हमें पैसे दो। आपको लगेगा कि आप मुझे पैसे दे रहे हैं, आप भरोसा करके पेमेंट कर देंगे, और उसके बाद वो पेमेंट लेकर गायब हो जाएंगे और आप जीवन भर हमें गाली देते रहेंगे, क्योंकि आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपके साथ किसी और ने स्कैम किया है। तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि मैं कोई भी पेड कॉल्स नहीं देता हूं, कोई भी सब्सक्रिप्शन के नाम से आपसे पैसे नहीं लेता हूं, मैं आपके पैसे को डबल करवाने के भी पैसे आपसे नहीं लेता हूं। तो मेरे नाम पर अगर आपसे कोई डायरेक्टली पैसे मांग रहा है, तो उसको पेमेंट मत कीजिए। हमारा सिर्फ एक एजुकेशनल कोर्स है जो कि हमारे ऐप नीरज जोशी पर अवेलेबल है, जो कि प्ले स्टोर पे है, तो आप वहां से हमारे कोर्स को एक्सेस कर सकते हैं। और वो भी प्योरली एजुकेशनल कोर्स है, जिसमें हमने बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस तक का स्टॉक मार्केट सिखा रखा है, जिसको बनाने में हमने 6 महीने लगाए थे। तो अगर कोई आपसे टेलीग्राम में या फिर इंस्टाग्राम में मेरी फोटो लगाकर पैसे मांगता है, तो प्लीज उसको पेमेंट मत कीजिएगा और उस प्रोफाइल को रिपोर्ट जरूर कीजिएगा। इससे मेरी बहुत हेल्प हो जाएगी और इससे बाकी लोगों को स्कैम होने से भी बचाया जाता है। हम भी अपनी तरफ से एक्शन लेते हैं, लेकिन कई बार डिले हो सकता है, जिसमें कई लोगों का नुकसान हो सकता है, तो इसलिए प्लीज आप भी रिपोर्ट जरूर किया कीजिए। अब फाइनली बात करते हैं कि आपने इन स्कैम्स को अवॉइड कैसे करना है।
तो सबसे पहले तो अगर मान लीजिए आपको कोई ऐसा स्टॉक दिखाई देता है जिसमें अचानक से बहुत ज्यादा वॉल्यूम बढ़ता है, जैसे यहां पर देखिए अचानक से इसमें वॉल्यूम बढ़ा है। वॉल्यूम देखने के लिए आपको सबसे पहले ट्रेडिंग व्यू की वेबसाइट में जाना होगा। यहां पर इंडिकेटर्स का एक सेक्शन है, उसमें जाकर आप वॉल्यूम लिखेंगे तो आप इस तरीके से वॉल्यूम के बार्स देख सकते हैं। तो अगर किसी भी स्टॉक में बहुत तेजी से वॉल्यूम बढ़ रहा है और उसके बाद अचानक से वॉल्यूम कम हो रहा है, यानी उसमें जो वॉल्यूम है वो बहुत ज्यादा बढ़ घट रहा है अचानक से, तो उस स्टॉक को आपने अवॉइड करना है, क्योंकि ऐसे स्टॉक्स में स्कैम होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। वैसे ये सब कुछ दिखाने के लिए जो चार्टिंग सॉफ्टवेयर का मैं यूज कर रहा हूँ, इसका यूज आप कैसे कर सकते हैं इसके ऊपर भी हमने वीडियो बना रखी है। तो आप नीरज जोशी ट्रेडिंग व्यू लिखकर अगर सर्च करेंगे तो आपको वो वीडियो मिल जाएगी, या फिर आपको लिंक डिस्क्रिप्शन पे भी मिल जाएगा। तो अगर आपको किसी स्टॉक में कुछ दिन तक बहुत ज्यादा वॉल्यूम दिखाई दे रहा है और उसके बाद बहुत कम वॉल्यूम दिखाई दे रहा है, यानी हो सकता है कि यहाँ पर आपको एक दिन में 10 लाख का वॉल्यूम दिखाई दे रहा हो और यहाँ पे 10,000 का भी वॉल्यूम ना हो या फिर 1,000 का भी वॉल्यूम ना हो, तो अगर इतना ज्यादा मेजर डिफरेंस है तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर स्कैम होने के चांसेस ज्यादा हैं, तो आपने उनसे दूर रहना है। इसके साथ ही अगर मान लीजिए किसी स्टॉक में बहुत कम वॉल्यूम रहता है, 1,000, 2,000, 5,000, 3,000 का वॉल्यूम रहता है, तो उसको भी बाय एंड सेल करने में आपको प्रॉब्लम आ सकती है, तो उससे भी दूर रहने में ही भलाई है। दूसरा, अगर कभी आप तक जबरदस्ती खबर पहुंचाई जा रही है, किसी स्टॉक की तारीफ कराई जा रही है जो कि एक पेनी स्टॉक है, यानी आपके पास किसी एड्स के थ्रू वो खबर पहुंच रही है, किसी इंस्टाग्राम पेज के थ्रू आप तक खबर पहुंचाई जा रही है कि ये स्टॉक इतने परसेंट के रिटर्न्स दे सकता है, तो अगर कोई फ्री में इंस्टाग्राम पेजेस के थ्रू आपको सीधा स्टॉक बताने लग रहा है तो फिर तो उससे दूर रहिए। तीसरा, अगर आप कभी भी देख रहे हैं कि किसी स्टॉक की जो प्राइस है वो बहुत तेजी से बढ़ रही है, मतलब आपको दिखाई देता है कि कोई बहुत छोटी कंपनी है जिसका नाम आपको कल तक पता भी नहीं था, उस स्टॉक ने एक हफ्ते में 200% के रिटर्न्स दे दिए, 300% के रिटर्न्स दे दिए, तो यहां पर भी स्कैम होने के चांसेस ज्यादा है। तो इसको कंफर्म करने के लिए आप जिस भी स्टॉक को बाय कर रहे हैं ना, आपने उसके फंडामेंटल जरूर देखने हैं। आपने देखना है कि उसकी सेल्स बढ़ रही है, क्योंकि सेल्स बढ़ रही है उसके साथ शेयर की प्राइस बढ़ रही है तो ये एक अच्छी बात है। लेकिन अगर कंपनी का लॉस बढ़ता जा रहा है उसके बाद भी शेयर की प्राइस बढ़ रही है, तो यहां पर चांसेस हो सकते हैं कि आप फंस सकते हैं। तो इसलिए हमेशा जिस स्टॉक को आप बाय करने जा रहे हैं आपने उसके फंडामेंटल्स भी देख रहे हैं, जिसमें आपने उसकी जो बैलेंस शीट है उसको देखना होगा, पीएनएल स्टेटमेंट को देखना होगा, क्वार्टरली रिजल्ट्स को देखना होगा, तो ये सब कुछ जरूर चेक करिए। चौथा, अगर किसी भी स्टॉक में आपको लगातार अपर सर्किट देखने को मिल रहे हैं या लगातार लोअर सर्किट देखने को मिल रहे हैं, तो उन स्टॉक से आपको दूर रहना चाहिए, क्योंकि बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि आप उनको बाय या सेल करने में आपको प्रॉब्लम आ सकती है। तो अगर किसी में आपको लोअर सर्किट देखने को मिल रहा है या फिर अपर सर्किट भी देखने को मिल रहा है, तो अपर सर्किट में प्राइस बढ़ रही होती है, इंसान लालच में आ जाता है, लेकिन फिर सेल करने में प्रॉब्लम आ सकती है, इसलिए उससे भी दूर रहें तो बेटर है। और फाइनली एक सबसे बड़ी कॉमन सेंस की बात यह है, जिसको समझ के आप बहुत सारे स्कैम्स होने से खुद को रोक सकते हैं, वो ये है कि अगर आपको कहीं पर भी गारंटीड रिटर्न्स का प्रॉमिस दिया जा रहा है, ये कहा जा रहा है कि मैं आपको पैसे कमा के दे दूंगा, मैं आपको इतने रिटर्न्स जनरेट करवा के दे दूंगा, या फिर मैं आपके पैसे को डबल कर दूंगा, तो समझ लीजिए स्टॉक मार्केट में कोई भी गारंटीड रिटर्न्स प्रॉमिस नहीं कर सकता है, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, इवन ये इलीगल भी है। तो आपने ऐसे ट्रैप में नहीं फंसना है, कोई आपको कहे वो आपका लॉस रिकवर करवा देगा तो उसको बोल देना रहने दे भाई, मैं नीरज जोशी की वीडियो फ्री में देखकर सीखकर खुद रिकवर कर दूंगा, तू परेशान मत हो। हाँ, लेकिन इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब तो कर लो अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। तो फाइनली मैं आपको बता दूं कि स्टॉक मार्केट एक अच्छी जगह है जहां से आप सीरियसली पैसे कमा सकते हैं, लेकिन क्योंकि ये एक ऐसी जगह है जहां पर सारा काम पैसे का ही है, तो इस जगह पर स्कैम्स भी बहुत सारे हैं, और इस वीडियो को देखकर आप उन स्कैम्स से बच सकते हैं। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो थी, मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर आप टेक्निकल एनालिसिस के बारे में सीखना चाहते हैं, ट्रेडिंग करना चाहते हैं, तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। अगर आप फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में सीखना चाहते हैं, स्टॉक सेलेक्ट कैसे करना है लॉन्ग टर्म के लिए, तो फंडामेंटल एनालिसिस आपके लिए सीखना जरूरी है, तो आप इस वाली वीडियो को देख सकते हैं। धन्यवाद।